हाय गाइस, वेलकम टू कागट। आई होप आप सब अपने घर पे हो, सेफ हो। मेरे ख्याल से इस बार मैं ये लास्ट ये डायलॉग बोल रहा हूँ, उसके बाद नहीं बोलूंगा। अब तो चलो होपफुली सब कुछ धीरे धीरे करके अच्छा ही हो रहा है, आप सब सेफ ही होंगे। एंड सॉरी फॉर द डिले, थोड़ा टाइम लग गया मुझे वीडियो निकालने में, बिकॉज मैं एक्चुअली मैं अपने होम टाउन दिल्ली में था नहीं, बाहर चल रहा था, थोड़ा बहुत काम था। बहुत जल्दी बहुत ही एक्साइटिंग न्यूज़ आने वाली है, कार से रिलेटेड नहीं है बट समथिंग दैट आई बीन वर्किंग ऑन, वो बहुत जल्दी मैं लॉन्च करने वाला हूँ, तो स्टे ट्यून फॉर दैट। तब तक के लिए शुरू करते हैं फिर से कागज की वीडियो। अभी हम बैठे हैं इनोवा GX ऑटोमेट, समझो इतनी टाइम से बनी नहीं है ना, मैं भूल ही हूँ। इतने टेक्स आए हैं अभी तक, मतलब मेरे ख्याल से फिफ्थ टेक चल रहा है जिसमें मेरे को लग रहा है हाँ ठीक है, अब थोड़ा बहुत स्टेबल लग रहा है, बट फिर भी कुछ कह नहीं सकते क्या होगा। अच्छा, तो अभी हम बैठे हैं फिलहाल इनोवा GX ऑटोमेटिक 2017 मॉडल डीजल में। सारी डिटेल एक बार में बोल दी मैंने, मैं बोला अब रट के आए हैं, जो है सारा निकाल दो एक बार में। अच्छा, और बाय द वे ये भी प्रोडक्ट जो है वो SM मोटर्स का है, पीछे देख सकते हो, ये वेस्ट दिल्ली मानसरोवर गार्डन में लोकेटेड है। मैं इनकी लोकेशन और इनकी डिटेल्स भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ऑल्सो इस गाड़ी की भी सारी डिटेल्स, प्राइस एंड ऑल सब कुछ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते एक बार इस गाड़ी के इंटीरियर से, उसके बाद निकलेंगे बाहर, बाहर निकल के भी गाड़ी की सारी डिटेल्स वगैरह चेकआउट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं स्टार्ट करता हूँ AC ऑफ करने से, क्योंकि AC रियली में काफ़ी ठंडा है और ऊपर से दिल्ली का मौसम भी थोड़ा सा बढ़िया ही हो गया है, उसकी वजह से ठंड ज़्यादा लग रही है। तो आप देख सकते हो अब इसके अंदर जो मीटर है, इसमें कुछ 32,000 किलोमीटर से गाड़ी ड्रिवन है एंड विद सर्विस रिकॉर्ड्स हमारे पास अवेलेबल है। उसके बाद हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारे को एक एंड्रॉइड स्क्रीन मिल जाती है। इसके बाद इसकी एक बार हम सेंसिटिविटी देख लेते हैं। चलो AC भी चला ही देता हूँ। फॉर द फर्स्ट टाइम मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं गाड़ी में बैठा हूँ और एकदम से पीछे से किसी ने दरवाजा खोला, मैं लिटरली डर गया था कि ये हो क्या रहा है। और एक अंकल थे, मेरे ख्याल से इससे पहले वाले फ्रेम में शायद वो रिकॉर्ड हुए या नहीं हुए मुझे नहीं पता, उन वो खोल के बोल रहे थे मैं गाड़ी देखने आया हूँ। अबे भाई लिटरली मैं डर गया था। अच्छा, तो बात कर रहे थे एंड्रॉइड स्क्रीन की, तो इसकी एक बार टच सेंसिटिविटी देख लेते हैं कैसी है। नेविगेशन से शुरू करते हैं, मैंने टच करा, थोड़ा स्लो ही है बट ठीक है, मैंने गाड़ी जस्ट अभी ऑन करी थी, क्या पता उसके बाद सही हो जाए। एक बार होम पे जाते हैं फिर से, ठीक है इनोवा के हिसाब से सही है, होम पे तो सही गया। मे बी नेट की कनेक्टिविटी नहीं है उसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही होगी, अदरवाइज तो ठीक ही चल रहा है। बाय द वे गाड़ी शायद मैंने अभी तक बताई नहीं, ये ऑटोमेटिक है। यहाँ पे आप इसकी गियर ऐसे करके देख, यार रिफ्लेक्शन आ रही है, हाँ अब सही लग रहा होगा। तो ऑटोमेटिक है, आप देख रहे हो PRNDS और S में आप इसका स्पोर्ट्स मोड डाल के प्लस माइनस करके खुद गाड़ी को मैनुअल वाली फील लेके भगा सकते हो। वैसे तो ये प्रीमियम गाड़ी है SUV सेगमेंट में। एक बार पीछे से भी आपको दिखा देता हूँ, जो आप ये देख रहे हो ना, ये भी कैप्टन सीट्स टाइप की ही है, मतलब आपको बकेट फिटिंग में सीट्स मिल जाएंगे और आप आराम से बैठ सकते हो। तो ऑल इन ऑल ये एक 6-सीटर बोलूँगा मैं, वैसे तो पीछे जो है वो बेंच ही लगा हुआ है, तो अगर बच्चे बैठना चाहे 3 बच्चे बैठ सकते हैं, बट ठीक है वैसे मैं 6-सीटर के लिए कंफर्टेबल बोलूँगा। अगर आपकी फैमिली 6 लोगों की है तो आई गेस दिस कैन बी अ परफेक्ट कार। एंड बेस्ट पार्ट ये है कि ये ऑटोमेटिक है। अब इसमें ज़्यादा मैं स्पेशियसनेस और इन सब की बात तो क्या ही करूँगा, इसमें मतलब काफ़ी कुछ ही हमारे को मिल जाता है। ये हमारे को अलग कंपार्टमेंट मिल जाता है, नीचे अलग एक कंपार्टमेंट मिल जाता है, उधर है ये बॉटल होल्डर वगैरह, चिल्ड आपको अगर कुछ रखना है तो आप यहाँ पे रख सकते हो बॉटल्स और कैंस, बट जो मैं बोल रहा हूँ वो वाली कैन मत रखना। और उसके अलावा आपको यहाँ पे भी कंपार्टमेंट मिल जाता है, इधर भी छोटा सा कंपार्टमेंट है, बॉटल होल्डर्स कप होल्डर्स यहाँ पे मिल रहे हैं, यहाँ पे मिल रहे हैं, मतलब स्पेशियस, स्पेस की तो बिल्कुल भी कमी नहीं है, इट्स लिटरली वेरी स्पेशियस। एयर बैग्स वगैरह भी हैं, तो ऑल इन ऑल आपको गाड़ी में जो भी आपको चाहिए वो सभी मिल जाएगा। अच्छा, वो जो पीछे वाले जो ब्लोअर्स है ना वो इस साइड पे है, मैं आपको एक बार पीछे बैठ के दिखाई देता हूँ। मैं सोच रहा था आगे से पूरी वीडियो कंप्लीट कर दूंगा, बट दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक, कि हमने जानकर ऐसे कर रखी है क्योंकि भी पीछे किसी को बैठ के दिखाया था, अच्छे से स्पेस का आइडिया दिया था। अच्छा, तो लेट्स गेट आउट फ्रॉम दिस साइड, एक बार पीछे बैठते हैं, पीछे बैठ के आपको गाड़ी की बाकी सारी डिटेल्स वगैरह दिखा देता हूँ। तो ऐसे करके हम कुछ एंटर करते हैं इस गाड़ी में, स्टेपर्स वगैरह सब कुछ लगे हुए हैं, अंदर बैठ के एक बार आपको सही से दिखा देता हूँ। सो दिस इज हाउ द इंटीरियर ऑफ द कार लुक्स लाइक फ्रॉम द बैक साइड। जो मैं ब्लोअर्स की बात कर रहा था वो यहाँ पे आपको मिल जाता है, आप सामने से भी वो कंट्रोल कर सकते हो, बट जो उसका रियर कूलर है आप वो यहीं से एडजस्ट कर पाओगे, तो लो हाई ऑफ मीडियम जो भी आपको रखना है वो यहाँ से रख सकते हो। अब ये आ गई बैक साइड में, बैक साइड में भी हमारे को ब्लोअर्स मिल जाएंगे, यार कैसे दिखाऊं ऐसे, चलो देख ही लेंगे, यहाँ से दिख रहे हैं। और पीछे भी हमारे को सीट बेल्ट वगैरह, तो मतलब सेफ्टी का, एयर बैग्स का, वो सब कुछ का पूरा ध्यान है। यहाँ पे हमारे को ये वाली आर्मरेस्ट भी मिल जाता है, बॉटल होल्डर्स वहाँ पे मिल जाते हैं, यहाँ पे भी कुछ लग रहा है, हाँ यहाँ पे भी हमारे को एक सॉकेट मिल जाता है, सब कुछ ही अवेलेबल है यार, मतलब लिटरली आपको जो गाड़ी में चाहिए एक्स्ट्रा मैट वगैरह तो मेरे ख्याल से बाहर से लगा रखा है। चाबी एक बार दिखा देता हूँ आपको कैसी दिखती है गाड़ी की। सो दिस इज़ द की ऑफ द कार लुक्स लाइक, एंड बाय द वे गाड़ी का नंबर है 8600, तो इफ 86 इज़ अ लकी नंबर दिस माइट बी अ लकी कार। सो अब यहाँ से भी बाहर निकलते हैं, बाहर निकल कर मैं आपको गाड़ी की आउटर डिटेल्स दिखा देता हूँ एंड बाकी सारी डिटेल्स डिस्कस करके लेट्स डिस्कस द प्राइस।
ओके तो अब हम आ गए हैं इनोवा क्रिस्टा GX ऑटोमेटिक के बाहर एंड दिस इज ऑफ द कार लुक्स लाइक फ्रॉम द आउटसाइड। जैसे मैं आपको बोल रहा था HR की रजिस्ट्रेशन है वो मैंने पहले नहीं बताया था, अभी देख लो, और 8600 गाड़ी का नंबर है। तो एक बार थोड़ा सा पीछे मुड़ते हैं, पीछे क्या घूमते हैं, जूम आउट करते हैं। SM मोटर्स का ये प्रोडक्ट है, आप वहाँ पे देख सकते हो, आप इनके यहाँ पे आके विजिट कर सकते हो। इनके पास काफ़ी सारी और भी कार्स अवेलेबल है, फॉर्च्यूनर्स वगैरह है, इवन हैरियर आने वाली है, इसकी भी वीडियो बहुत जल्दी आने वाली है चैनल पे, स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। अब हम आ जाते हैं गाड़ी की लेफ्ट हैंड साइड प्रोफाइल पे एंड दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। देख रहे हो बिल्कुल एक क्लीन बॉडी आपको मिल जाती है, 2017 का ये मॉडल है, अक्टूबर का, इतने से आप बिल्कुल भी पहचान नहीं पाओगे दिस इज 2017 मॉडल। काफ़ी नया लग रहा है, काफ़ी वेल मेंटेन्ड है, मतलब आप सोच ही लो कि डीजल में एक पुराना ओनर गाड़ी ले रहा है। दिस इज द फर्स्ट ओनर कार बाय द वे, आप टायर्स की क्वालिटी देख सकते हो कैसी है, डीजल में किसी ने लिए एंड बस 30,000 चलाई है 3-4 साल में, 5 साल एक्चुअल में। ऑब्वियस की वो मेंटेनेंस वाइज तो काफ़ी अच्छी कर रखी होगी इन लोगों ने, बस अपनी फैमिली या उस प्रीमियम एक लग्जरी क्वालिटी ऑफ ड्राइव के लिए ये गाड़ी ली होगी। सो दिस इज व्हाट आई एम गेसिंग, आई हैवंट मेट द ओनर्स पर्सनली बट मैं यही गेस कर रहा हूँ। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड प्रोफाइल हमने देख ली, कुछ इस टाइप की लग रही है। बाय द वे इस गाड़ी का जो इंश्योरेंस है दैट इज ऑल्सो वैलिड टिल 2022 एंड दिस इज द बैक साइड ऑफ द कार लुक्स लाइक। एक बार ओपन करके आपको बूट दिखा देता हूँ कैसा लगता है। सो दिस इज़ आउट द बूट ऑफ द कार लुक्स लाइक। अच्छी खासी हमारे को यहाँ पे स्पेस मिल जाती है, यहाँ से आपको ये वाली भी दिखा देता हूँ, सीट्स भी बाय द वे डाउन हो जाएंगी इजीली, ऊपर के ब्लोअर्स पहले मिस कर दिए थे बट दिस इज़ आउट इट लुक्स लाइक। ग्रैब हैंडल्स जो है हमारे को यहाँ पे मिल जाते हैं, सॉरी। सो नाउ वी आर हियर एट द राइट हैंड साइड प्रोफाइल ऑफ द कार एंड दिस इज़ आउट इट लुक्स लाइक। एग्जॉस्ट वगैरह आपको इसमें पूरे लगे हुए मिल जाएंगे, जो वो है इंडिकेटर्स भी नीचे फेंडर पे नहीं है, हमारे को यहाँ पे मिल जाते हैं एज सारी कार्स में जैसे अवेलेबल है। सामने LED हमारे को लाइटिंग वगैरह मिल जाती है, प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स है। ऑल इन ऑल दिस इज आउट ऑफ कार लुक्स लाइक, बिल्कुल एक टॉप नॉच अच्छी कंडीशन में वेल मेंटेन्ड कार है। सो इफ़ यू वॉन्ट दिस, इसकी आस्किंग है 17.5 लाख्स विच इज़ नेगोशियेबल ऑन टेबल फॉर द कार्गेट फैमिली। इस गाड़ी की बाकी सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, हमारी भी डिटेल्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इफ़ यू वॉन्ट दिस कार डू लेट अस नो, इफ़ यू वॉन्ट एनी अदर कार तो भी हमें बताओ, मैं आपके लिए रोज़ नई गाड़ी लाने का ट्राई कर रहा हूँ, एटलीस्ट अब ट्राई कर ही रहा हूँ, देखते हैं आती नहीं आती है बट 101% ट्राई कर रहा हूँ। साथ साथ में स्टे ट्यून्ड, मैं बहुत सही चीज़ एक लॉन्च करने वाला हूँ कुछ ही टाइम में, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। ओके, बाय गाइस, टेक केयर, स्टे सेफ।